तो देखिए, यूक्रेन युद्ध अभी खत्म होने की किसी भी सूरत में नजर नहीं आ रहा है। जी, अमेरिका ने एक बार फिर से यूक्रेन में हथियारों की नई खेप बेचने की घोषणा कर दी है। नए ऐलान में रूस पर प्रतिबंधों की फेहरिस्त भी शामिल है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने कुछ चीनी कंपनियों को भी बैन किया है और जिन पर आरोप है कि वो रूस को जंग लड़ने में मदद कर रही है। एक साल बीत गए, युद्ध जारी है और ये पहले से भी कहीं ज्यादा आक्रामक और कहीं ज्यादा घातक हो चला जा रहा। पूर्वी यूक्रेन में जबरदस्त घमासान चल रहा है और जैसी रिपोर्ट्स आ रही हैं, अब रूस दूसरे मोर्चे भी खोलने की तैयारी है। इस बीच यूक्रेन को अमेरिका और दूसरे नाटो मुल्कों से हथियारों की नई खेप भी मिलने वाली है। अमेरिका ने शुक्रवार को यूक्रेन के लिए नए सैन्य पैकेज के साथ रूस पर और भी ज्यादा प्रतिबंधों की घोषणा की। दो सौ शख्सियतों और संस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंध की लिस्ट में रूस और रूस को मदद करने वाले शामिल, रूस को सैन्य मदद देने वाली एक दर्जन कंपनियां भी शामिल, यूक्रेन को नए ड्रोन देने का ऐलान, ड्रोन बनाकर सप्लाई किए जाएंगे, नई खेप भेजने में महीनों का समय लगेगा, नई खेप में रॉकेट और बंदूकें शामिल, माइन हटाने के उपकरण भी भेजेगा अमेरिका। यह घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा के बाद की गई, जहां उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ कीव की सड़कों पर चहलकदमी की थी। बाइडेन शुक्रवार को करीब 90 मिनट के लिए G7 सदस्यों और ज़ेलेंस्की के साथ वर्चुअली मिले। अमेरिका ने 90 ऐसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है जो पहले के प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए रूस को एक्सपोर्ट कर रहे थे। इसमें चीन की कई कंपनियां शामिल हैं। दरअसल पिछले कुछ महीनों से अमेरिका आरोप लगा रहा है कि चीन चोरी छिपे रूस की मदद कर रहा है। अमेरिका को यह भी डर है कि बीजिंग से मॉस्को को हथियार की मदद मिल सकती है, जिसके बारे में एक जर्मन पत्रिका ने आशंकाएं जताई थी। बुधवार को चीन का एक डेलीगेशन मॉस्को में पुतिन से मिला और माना जा रहा है कि शी जिनपिंग से भी पुतिन की मुलाकात जल्द ही प्रस्तावित है। जाहिर है यूक्रेन पर अब दुनिया साफ तौर पर बटी हुई दिख रही है और खुलकर अलग अलग पक्षों को सैन्य मदद देने लगी है। ऐसे में आशंका है कि यूक्रेन की बुनियाद पर कहीं तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत न हो जाए।